चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 कराए जाएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मार्च दक्षिण राज्यों की यात्राएं शुरू कर दी। इससे पहले भी अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पीएम दक्षिण भारत के मंदिरों का भ्रमण किया था और दर्शन पूजन भी किया। दूसरी ओर कांग्रेस भी देश भर में अपने गठबंधन साथियों की सीट बंटवारे करने पर जुटी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रवार नतीजे कैसे रहे, किस पार्टी को किस जगह से सबसे ज्यादा सीटें मिली और किसको बड़ा झटका लगा। सबसे पहले बात उत्तर भारत की कर लेते हैं। इस क्षेत्र में लोकसभा की कुल 205 सीटें आती हैं। ये सीटें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को मिलाते हुए कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 205 में से 146 सीटें भाजपा के खाते में आई थी। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस महज 11 सांसद ही जीत पाए थे और 48 सीटों पर अन्य दलों के नेताओं ने जीत दर्ज की थी। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं तो इस क्षेत्र में कुल 132 सांसद चुनकर आते हैं। दक्षिण भारत की ये सीटें जिनमें तमिलनाडु है, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बनती है। 19 के लोकसभा चुनाव में 132 में से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 29-29 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं अन्य क्षेत्रीय दलों की बात कर ले तो क्षेत्रीय पार्टियों के 74 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। और बात पश्चिमी भारत की कर लेते हैं। इस लोकसभा की कुल 78 सीटें हुए। पश्चिमी भारत से कुल 78 सांसद सामने आते हैं। ये सांसद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव से चुनकर संसद पहुंचते हैं। बीते लोकसभा 2019 की बात कर रहे हैं तो भाजपा ने 78 में से 51 सीटों पर अपना परचम लहराया था। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के केवल 2 ही उम्मीदवार लोकसभा पहुंचे थे और अन्य दलों के 25 सांसद ने जीत दर्ज की थी। अब बात पूर्वी भारत की कर ले जहां पर लोकसभा की 88 सीटें हैं। देश के इस हिस्से से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड जैसे 10 राज्य आते हैं जहां से 88 सांसद चुनकर संसद पहुंचते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो 88 में से 40 सीटों पर तो बीजेपी ने सफलता हासिल की। दूसरी ओर कांग्रेस के केवल 7 सांसद ही संसद के निचले सदन तक पहुंचे थे और इसके अलावा 41 सांसद अन्य दलों से जीत कराए थे। और अब बात मध्य भारत की कर लें। इस क्षेत्र में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं जहां मध्य प्रदेश से लोकसभा के 29 सांसद चुने जाते हैं तो छत्तीसगढ़ से 11 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 40 में से 37 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत दर्ज कर ली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 3 ही सीटें आई थी। तो ये बात हो गई क्षेत्रवार तरीके से उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत। ये वो 5 क्षेत्र हैं जहां पर 2019 के हिसाब से देखें तो किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं और किस पार्टी को नहीं, पूरा ब्यौरा दिया गया है। लेकिन सवाल 2024 का है, क्या 2024 में भी 2019 वाला करिश्मा हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।